यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। आज गणतंत्र दिवस है। यहाँ गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं और इस समय मौजूद हूँ जसपुर के प्रमुख ऐतिहासिक पुराना नगर पालिका चौक में। ये पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं ये रैली लेकर आ रहे हैं। देखिए बच्चों में कितना जोश खरोश है। Thank you.
के बच्चे जगन मोदी नारे लगा रहे हैं। अभी मैं दिखा रहा था आपको पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की प्रभात फेरी गणतंत्र दिवस पर। हर वर्ष इस विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और आप देख रहे होंगे कि यह विद्यालय क्षेत्र का प्रमुख विद्यालय है। इसकी काफ़ी लंबी रैली निकाली गई। अब मैं आपको ले चलता हूं नगर के ऐतिहासिक पुराना नगर पालिका चौक में, जहां राष्ट्रीय ध्वज पुराना राष्ट्रीय ध्वज स्थापित है और कुछ ही देर में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी ध्वजारोहण करेंगे।
यहाँ ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है। नगर के इस ऐतिहासिक पुराना नगर पालिका चौक में प्रतिवर्ष ध्वजारोहण किया जाता है। देखिए यहाँ स्कूली बच्चे भी पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है। कुछ बच्चे केवीएम इंटर कॉलेज के यहाँ मैदान में बाजार चौक में पहुंचे हैं और स्कूल के बच्चे भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और हमारे सम्मानित जनता जनार्दन भी यहाँ पहुंच रही है और पहुंचेगी, पहुंचने वाली है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, भारत माता की। जब ध्वजारोहण हो, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद, नारों के बाद सीधे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जब सावधान का इशारा हो, राष्ट्रगान सबको एक साथ बोलना है। हमारे बहन भाई जो सभा साधारण में सभी पहुंचे का धन्यवाद। देखिए एक और विद्यालय की प्रभात फेरी आ रही है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसपुर समसिंगर की प्रभात फेरी है। Thank you.
क्षेत्रीय विधायक राजेश चौहान जी पहुंचने वाले हैं। जितने हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एम पी सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी अपने साथियों के साथ उनका भी पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने हमारे यहाँ साथी खड़े हैं मेरे मुझे गुजारिश है कि वो कुर्सियों पर बैठ जाएं। हमारे यहाँ वकील साहब भी पहुंचे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कृपया इधर गाइड पर आ जाए, मंच पर आ जाए। आज का ये हमारा पर्व गणतंत्रता दिवस का ये पर्व पूरे देश में नहीं बल्कि जहां हमारे देश के लोग निवास करते हैं विभिन्न देशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देश को चलाने के लिए कानून बना था, किसी जिससे अपने कानून से अपने संविधान से इस देश को हम चला सकें उसी की खुशी में हम ये पर्व मनाते हैं। और ये पर्व किसी विशेष जाति का नहीं, विशेष धर्म का नहीं, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर धर्म का, हर वर्ग का है। हमें ये संदेश पर्व ये संदेश देता है कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय या संप्रदाय के हों, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, इसलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे एक समाज सेवी, हमारे बड़े भाई संजय राजपूत जी एक देशभक्ति गीत यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और मैं इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ हर बार गारा दाती है सलामी देने के लिए, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राजपूत जी हेलो, हेलो, सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सही है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिल जुल के रहो और प्यार करो, ये चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम में क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान जी यहाँ पहुँच चुके हैं। आदेश सिंह जी किसी देर बाद ध्वजारोहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही पलों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर कुर्सियाँ खाली हैं, कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं। हमारे आरपी सिंह जी भी पीछे खड़े हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया जरा जाएं। मेरा
मेरा निवेदन है श्रीमती देवी जी से, कृपया इधर आ जाइए। अभी मात्र 7 मिनट बचे हैं ध्वजारोहण होने में। जो इधर पेड़ के नीचे खड़े हैं इधर सामने कुर्सी पर आ जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को कांग्रेस संगठन की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ध्वजारोहण होने के बाद सीधे राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान होने के बाद नारे बुलेंगे और फिर अपनी जगह बैठ जाएंगे। उसके बाद का कार्यक्रम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी संचालित करेंगे। हमारे जामीन भाई जो समदर्शी संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आकर बैठ जाएं। कार्य ध्वजारोहण के बाद थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके बाद माननीय विधायक जी जो हमारे क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हैं और क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको आज सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मात्र 4 मिनट शेष है ध्वजारोहण में। आज जैसी ओके भूख कोई बात नहीं, आप मेरे ओके कर दिया। जसपुर के समस्त नागरिक इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि अपने काम छोड़कर इस राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित होने का कष्ट करें और अपनी राष्ट्रीय मूल्यों को प्रजेंट करने का प्रयास करें। हमारे आदरणीय विधायक श्री आदेश चौहान जी आप सभी को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। उत्तराखंड पुलिस के सम्मानित नौजवान वो भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। रहने देना, जो ये रखी ये रहने, ये भी इधर इधर यहाँ, तो यहाँ दूसरी तो यहाँ लग जाए। बच्चों जब ये राष्ट्रीय गान होगा सब लोग सीधे खड़े हो जाएंगे और मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद म्यूजिक के साथ ट्रैक सॉन्ग के साथ हम लोग राष्ट्रीय गान बोलेंगे। ऐसा कर दो, ऐसे लगा तो आगे।
एक बार अपने आप को चेक करके देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है। मैं एक बार जोरदार नारा लगा दूं, भारत माता की। क्या बात, एक बार नारे का रिहर्सल करेंगे। अन्न जहां का, जोर से बोलो हमने खाया। अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, देश प्यारा, और देश की रक्षा कौन करेगा? और देश की रक्षा कौन करेगा? ये हमें नारे बोलने। एक नारा बोला जाएगा, भारत की अखंडता, तो आप कहेंगे अमर रहे। भारत की संप्रभुता, अमर रहे। भारत की एकता, अमर रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सब नारे लगाएंगे। आप लोग जानते हैं, समय होने वाला है और बड़े सम्मान के साथ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। सभी नौजवान साथियों से निवेदन है, कृपया वो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और माननीय विधायक जी से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया ध्वजारोहण के लिए काम करें। मैं बोल रहा हूं बच्चों, भी म्यूजिक के साथ जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगाल विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा सब सुख बच्चों नारे लगाएंगे। अन्न जहां का, जोर से अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, देह प्यारा, और देश की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, कैसे करेंगे? भारत के अमर शहीदों की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश के गुमनाम शहीदों की, कारगिल के अमर शहीदों की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर मैं कांग्रेस संगठन की ओर से
सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को बधाइयां देना चाहता हूं। ये जो पावन अवसर हमें मिला है, इसके पीछे हमारे अनगिनत शहीदों, अनगिनत वीरों ने, अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी शहादत दी है। उन्हीं की वजह से आज हम ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं। देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, किंतु हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान हमारे इस देश की, लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है। इसी संविधान से ये देश चलता है। सारे नियम कानून, शासन व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, हर चीज का हमारे संविधान में विस्तृत विवरण दिया गया है। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य, सब चीजों का विवरण हमारे संविधान में दिया गया है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसी के उपलक्ष में हमारा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित कर्मठ जुझारू विधायक माननीय आदेश सिंह चौहान जी ने इस ऐतिहासिक स्थल पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच में KBM इंटर कॉलेज के बच्चे उपस्थित हैं, जो हमारे बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। एक ये हमारा देशभक्ति गीत है, अभी बच्चियां कुछ प्रस्तुत करेंगी। गुलनाच मंतसा सपुष्पा, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें सभी लोग, जोरदार तालियों से। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपके सामने एक गीत देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। Amen.
पास जोरदार तालियां बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों दे दी। मैं बच्चों से कहूंगा बच्चों एक मिनट यहाँ पे आओ, माननीय विधायक जी पुरस्कृत भी करेंगे, माननीय विधायक से पुरस्कार लौटना जिन बच्चों ने अपना माननीय विधायक जी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। इसके बाद हमारे बीच में जीजीआईसी जसपुर की बच्ची आई हुई है, वो भी एक देशभक्ति का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। संजना, सोनिया, अनम, कल्पना और अलीना ये बच्चियां अपनी टीचर श्रीमती प्रियंका चौहान और श्रीमती नीलम रानी के साथ इस कार्यक्रम में आई हैं, उनका स्वागत करते हैं और बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। संजना, सोनिया, अनम, कल्पना और अलीना इधर मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों को आप स्वागत। आदरणीय विधायक जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम सभी आपके सामने एक देशभक्त की पेश करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना। हेलो बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा इन बच्चों का भी पुरस्कार देने की कृपा करें और शिक्षकों से प्रियंका चौहान जी से नीलम रानी जी से भी कहूंगा वो भी आ जाए। जीजीआईसी जसपुर की शिक्षिकाएं बच्चों को तैयार करके लाई हैं, वो भी आ जाए। श्रीमती प्रियंका चौहान, श्रीमती नीलम रानी इन बच्चों को जीजीआईसी जसपुर से लाई हैं। माननीय विधायक जी सभी बच्चों को और शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। चॉकलेट भी दे सकते हैं।
एक बार जोर का ताली बच्चों। सामने जीजीआईसी जसपुर के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और अब आज हमारे बीच में हमारे जसपुर की सामाजिक संस्थाएं भी हैं जिन्हें माननीय विधायक जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एमपी सिंह जी से जो कांग्रेस पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे जसपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं वो भी मंच पर आए और अपना संबोधन दें। मैं जोरदार तालियां डॉक्टर साहब चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक आदित्य चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित सुखदेव सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं में अध्यक्ष रहे और पदाधिकारी रहे, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी का सीनियर सिटीजन, प्यारे बच्चों, माताओं, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के अंतर्गत ही हम लोग आज दुनिया में इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके मूल्यों की रक्षा करना, इसके आदर्शों पर चलना हमारा नैतिक दायित्व है। जिन जिन लोगों ने अपने देश के कानूनों की, नियमों की अवहेलना की है, आप उनके हालात देख सकते हैं। पड़ोस में ही हमारा एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, हमसे भी एक दिन पहले वो आजाद हुआ था और आज उसकी हालत देख लीजिए। टीवी के माध्यम से सब लोगों को पता होगा कि रोटी पानी, पेट्रोल डीजल बिजली तक का अकाल पड़ा हुआ है। तो इस देश को इस मुकाम तक लाने वाले मैं अपने नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं और जिन लोगों ने इस देश को आजाद करा के आज हमें इस आजादी की हवा में सांस लेने का अवसर दिया। मैं तमाम ऐसे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे अपने वीर सपूतों को भी याद करता हूं और नमन करता हूं। मित्रों, हमारी जो अपनी पॉलिसी हैं, अपने नेताओं की पॉलिसी हैं, अगर जो वो अच्छी नहीं होंगी तो उसके हालात आप श्रीलंका जैसे देख सकते हैं, पाकिस्तान जैसे देख सकते हैं। मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो संविधान इस देश के लिए बनाया गया उसको अनुसरण करते हुए हम नित प्रतिदिन इस दुनिया में अपना प्रचलन लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक छोटा सा बच्चा है, आदित्य अग्रवाल, वो पियानो बजाकर अपनी एक देशभक्ति के गीत पर पियानो की धुन बजाएगा, हमारे साथ हम आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा आदित्य अग्रवाल का चेयर आगे डाल दें और एक पियानो की से बात जोड़ता था, बड़ा छोटा सा बच्चा है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार जोड़ता था छोटे से बच्चे।
सुंदर छोटा सा बच्चा है आदित्य अग्रवाल, आ गया बेटा, आ गया इसके गार्जियन, जो गार्जियन है आप भी साथ में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ गया, आ गया, जोरदार तालियां छोटे से बच्चे के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न। माननीय विधायक जी इस बच्चे को पुरस्कृत कर रहे हैं, इसके गार्जियन भी इसके साथ हैं, छोटे से बच्चे ने पियानो पे बहुत सुंदर धुन बजाई है। जोरदार तालियां इस छोटे से बच्चे, और इस कार्य अभी हमारे बीच में ओपी सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसपुर के बच्चे और उनके शिक्षक हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं इस कार्यक्रम में उन सबका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे जसपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी और समदर्शी संस्था के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद यामीन जी से कि वो भी आए और मंच पर अपने विचार रखें। मोहम्मद यामीन जी, एक बार जोरदार तालियां से यामीन भाई का स्वागत। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस आज भारत मना रहा है, इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक आदित्य चौहान जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी और तमाम संस्थाओं के पदाधिकारी भाई बुजुर्ग दोस्त माता बहन प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा देश चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी को क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद यामीन भाई, एक बार जोरदार तालियां यामीन भाई। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुशील चौहान जी उपस्थित हैं जो एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुशील चौहान जी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। सुशील चौहान जी, एक बार जोर जोरदार ताली सुन। आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको सबको बधाई देता हूं और एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। Thank you.
यहाँ पर आए हुए माननीय विधायक जी श्री आदेश चौहान जी को एवं समस्त सम्मानित सज्जनों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रगणों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि अगर मेरी वाणी से कोई भी शब्द डगमगाता है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये शुभ दिन है
वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली। चली गई है, भारत माता की छब्बीस जनवरी देश के अमर शहीदों की। साने इलाही, मोहम्मद नाजिर, जहीर आलम, साकिब चौधरी, साहब अली और मोहम्मद नासिर। मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग सामने आएं और माननीय विधायक जी से सम्मान प्राप्त करें। भारत जनहित सेवा संगठन, एक बार जोरदार तालियां। एक मिनट सर,
आपके सारे साथी अच्छा अच्छा अकेला हो गया काम साहित्य सिंधु अध्यक्ष जी अरे राजकुमार भाई हमारे थिएटर की साहित्यिक संस्था है तो अच्छा सब एक में है क्या उधर इधर और क्या संस्था ही चार आदमी चला रहे जसपुर की सारी और क्या और कोई रहते नहीं गए हमारे विनोद जी नहीं आए नीरज जी कहाँ है नीरज जी आगे 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 जी Thank you.
करेंगे गले सभी लोग। सभी लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में भारती देवी, सब लोग बैठ जाए हमारे बीच में भारती देवी जी हैं, स्वर्गीय पत्नी स्वर्गीय श्री रामशरण सिंह जी, निवासी रामनगर बंद। इन्होंने अपनी 3.5 बीघा जमीन विद्या भारती विद्यालय के लिए दान दिए, बहुत बड़ी बात है। 3.5 बीघा जमीन, जोरदार ताली एक बार भारती देवी जी के लिए। अपनी 3.5 बीघा जमीन एक विद्यालय को दान देना बहुत बड़ी बात है। बहुत उनके परिवार जन फिर पे आ गए हैं, माननीय विधायक जी उन्हें भी सम्मानित करेंगे। भारती देवी जी जोरदार ताली है भैया का। आ गए, आइए आ जाओ, और तो साथ में आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। एक विद्यालय के लिए 3.5 बीघा जमीन दान, जोरदार ताली, इधर आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, हेलो, चलिए लाइट आ गई है। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी सम्मानित कर रहे थे श्रीमती भारती देवी जी, पत्नी स्वर्गीय राम शरण सिंह जी, निवासी रामनगर बंद। इन्होंने अपनी 3.5 बीघा जमीन विद्या भारती विद्यालय के लिए दान दी है, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां भारती देवी। इससे पहले मैं जरा थोड़ा नाम बता दूं, अभी माननीय विधायक जी और साथियों ने हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी को सम्मानित किया, जिसके अध्यक्ष हम लोग से की है। जनहित सेवा संगठन को सम्मानित किया, जिसके अध्यक्ष स्वरूप आदमी जी है। पीस क्लब को सम्मानित किया, जिसका अध्यक्ष संजय राजपूत जी है। साहित्य सिंधु को सम्मानित किया, जिसके अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी है। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन को सम्मानित किया, जिसके अध्यक्ष सलीम इदरीसी जी है। और संघर्ष संस्था को सम्मानित किया, जिसके अध्यक्ष आर पी सिंह जी है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में ओपी सिंह स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, काफी संख्या में बच्चे आए हैं। उनमें से कुछ बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। बाकी लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने अपनी जगह बैठ जाए, कार्यक्रम विधिवत। एक मिनट के लिए मैं संघर्ष संस्था के अध्यक्ष आप सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार धन्यवाद साहब, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का आभार। मैं सौंदर्य संस्था की ओर से निवेदन कर रहा हूँ, 19 जनवरी को गरीब बेटियों की शादियाँ जो हर वर्ष की बात ही करा रही है, वो मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आप 29 जनवरी को दुल्हन मंडप में आप कृपया उन सब बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए आए। थैंक यू, धन्यवाद। आपके सिंह जी गरीब बच्चों की शादियां संघर्ष संस्था करा रही है, इस बार 29 जनवरी को है। और हमें ओपी सिंह स्कूल के बच्चे सुभाष जसबीर रिहान मंच पर आए अपना एक कार्यक्रम। सुभाष जसबीर और रिहान जिंदाबाद।
प्रस्तुति देगी मेहनाज और कह कसा। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी ये हिंदुस्तान।
जोरदार तालियां बच्चों के लिए। माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा इन बच्चों को भी पुरस्कृत करने की कृपा करें। ये केवीएम इंटर कॉलेज जसपुर के बच्चे हैं हमारे मोहम्मद इकबाल मोहम्मद। हाँ माननीय हमारे डॉक्टर एमपी सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सभी लोग हमारे आगे आए और बच्चों को सम्मानित कर। हमारे बबुल भाई भी आगे जाए, नीके स्कूल के बच्चे हैं। इसके बाद ओपी सिंह उत्तर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे देव और ऋषभ, वो भी एक प्रस्तुति इस मंच पर देना चाहते हैं। देव और ऋषभ वो भी तैयार है इस प्रस्तुति के बाद। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के संवर्धन के लिए। इंटर कॉलेज के बच्चे देव और ऋषभ अपनी एक प्रस्तुति देंगे, वो भी कृपया मंच पर आए। देव और ऋषभ इंटर कॉलेज के बच्चे हैं कीर्ति, महबीस, दीक्षा, अनुराधा, पायल और यज्ञ। अभी जो बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली।
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, जाके इतना जोर लगा लो, तब से आगे होंगे हिंदू तारे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, जाके इतना जोर लगा लो, सब से आगे होंगे हिंदू तारे। हमने कहा वर्धन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी ओपी सिंह इंटर कॉलेज के बच्चों ने, एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आमंत्रित करूंगा कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद इख्तियार बबलू को कि वो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा संचालित करें। इसके बाद केवीएम इंटर कॉलेज के बच्चे केवीएम इंटर कॉलेज की बच्ची सानिया वो मंच पर आए, वो गीत सुनाना चाहती है। सानिया पीछे होंगे सत्तर से लिखता पड़ा है आ गया अब अभी अभी रुक जाओ जसपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार के सुंदरपाल सिंह एडवोकेट जी उपस्थित हैं। उनके परिवार में उनके माता जी और उनके पिताजी ने नेत्र दान किया, अपनी आंखों से दूसरों को रोशनी दी। ये बहुत बड़ी बात है कि जसपुर में इनके माता पिताजी ने अपने नेत्र दान करके दूसरे की दूसरों को ज्योति नेत्र ज्योति प्रदान की। मैं सुंदरपाल सिंह एडवोकेट जी और उनके परिवार के जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि
की वो मंच पर आए और इन बच्चों के साथ जो ओपी सिंह इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं वो बच्चे और उनका स्टाफ उनके टीचर्स वो भी आए और एक बार माननीय विधायक जी के साथ खड़े हो जाए। ओपी सिंह इंटर कॉलेज के जो स्टाफ आए हैं वो बच्चे आए हैं। इसके बाद सुंदरपाल सिंह एडवोकेट जी और उनके परिवार के लोग मंच पर आए, माननीय विधायक जी उन्हें सम्मानित करें। बबलू भाई चयन किया गया और जिन कॉलेजों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उसमें पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज, पैदयाम इंटर कॉलेज, बीएससी इंटर कॉलेज और वैली ऑफ फ्लावर, इन बच्चों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया
और ये हमारे रिटायर्ड बहुत जागरूक शिक्षा के मास्टर शब्बीर साहब उनके नेतृत्व में ये प्रतियोगिता हुई और हकीम अहमद मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्रतियोगिता कराई। तो इसमें जो पांच बच्चे हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आए हैं, मेरा उनसे कहना है कि वो इधर डाइस पर आ जाएं। मैं नाम बोल रहा हूँ, प्रथम स्थान पाने वाले मृत्युंजय चौहान पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के छात्र हैं, टेंथ क्लास के, वो आए और माननीय विधायक जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और शादिया परवीन सलीम अहमद जो ट्वेल्थ क्लास की छात्रा हैं फैजाबाद इंटर कॉलेज की, वो इस प्रतियोगिता में बिटिया सेकंड आई है। बच्चों ताली की कंजूसी नहीं करो। शादिया परवीन, दीशांत कुमार श्रीमन फूल सिंह 11th बी का छात्र है बीएसपी इंटर कॉलेज जसपुर का, इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस निबंध प्रतियोगिता में। मोहम्मद अयान पुत्र श्री सलीम अहमद 12th का छात्र है फैजान इंटर कॉलेज जसपुर का, ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद अलीम ये 11th क्लास का छात्र है, इसने फिफ्थ स्थान प्राप्त किया है। और एक बच्ची सुहाना नाज सरफराज अहमद की बेटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स की छात्रा है, अगर वो भी हो तो आ जाए और अपना पुरस्कार ले लें। मोहम्मद समीर और मोहम्मद ईशान, इन्होंने ये नेशनल रेस हुई थी उसमें इनकी अच्छी पोजीशन आई है, वो तो आए और विधायक जी से अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। एक बार फिर आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायक जी को बुलाऊं, इससे पहले माननीय विधायक जी ओपीसी के बच्चे आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। मैं ओपीसी विद्यालय की तरफ से माननीय विधायक जी को और समस्त जनता को 26 जनवरी के मैं शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय विधायक जी के लिए दो लाइन बोलता हूँ और एक डिमांड करूंगा उनसे। मांगने से सभी को खुशियां नहीं मिलती, दिलों में रहने की जागीर नहीं मिलती। मिल जाए मेरी तस्वीर से कोई तस्वीर, मिल जाए मेरी तस्वीर से कोई तस्वीर, ऐसी तो मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली। और मैं माननीय विधायक जी से अपने ओबीसी विद्यालय के लिए एक कंप्यूटर लैब की मांग करता हूँ और इच्छा रखता हूँ कि वो इस इच्छा को हर जल्दी पूरी करेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबके हम सबके प्रिय विधायक माननीय आदेश सिंह चौहान जी को कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्गार
बयान करें माननीय आदेश सिंह चौहान जी। धन्यवाद इख्तियार बबलू जी। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के दोनों अध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी, इख्तियार बबलू जी और हमारे, मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे बुजुर्ग श्री श्री प्रकाश जी, दो बार श्री लगता है इनके आगे, एक नाम के साथ और एक सम्मान के साथ। और उसके बाद हाँ बुजुर्ग हमारे सरदार सुखदेव जी, उसके बाद लगभग छोटे बड़े लोग आपको थोड़े लोग देव किरंदन सरदार जी और हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एम पी सिंह जी, समदा से संस्था के भाई बहन जी नहीं चले, अच्छा पीस क्लब के हमारे राजपूत जी, साहित्य संधु के राजकुमार जी, सेवा संगठन के सोनू कादरी जी और रेड क्रॉस के हमारे हरिओम जी, एक हमारे राजपूत से मुजफ्फर भाई भी बैठे हैं और एक महिला हमारी जिन्होंने जमीन दान दी वो शायद चली गई, रामवती दी, एक कृष्णा सिंह जी भी हमारे मेजर कैपाल सिंह की धर्मपत्नी वो भी शायद चली गई हैं, मोहम्मद आरिफ जी, नाप लूंगा तो समय लगेगा बोल लेता हूँ, राम किशन जी, बहुत लोगों को जानता हूँ तो ये सभी परिचित हैं। प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर विनम्र सभी को नमस्कार। आज 74वां गणतंत्र दिवस, आज ही के दिन हमारा जो संविधान है वो भारत में लागू है और इसे इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी और उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जिसमें 7 सदस्य थे और इन सब ने मिलकर इस संविधान को पास किया जिसको हम सब मानते हैं, जिससे हमारा भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा और उसी के अनुपालन में हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, ऐसा संविधान हमारा इस देश को मिला और उसके बाद हमारा देश तरक्की करता चला गया दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमने भी अपने पूर्वजों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी और आज आप देखते हैं कि सब कुछ हमारे देश में बन गया, तो ये हमारे देश की उपलब्धि है, उसमें हर किसी वर्ग का कुछ ना कुछ सहयोग है, आजादी से लेकर आज तक हर वर्ग का उसमें सहयोग है, कोई व्यक्ति ये कहे कि एक व्यक्ति ने ये कर दिया तो ये संभव नहीं। आज कुछ लोग राजनीति रोटी सेकने के लिए धर्म की आड़ लेकर हमारे देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है, ये सभी जाति और धर्मों से मिलकर बना है और यही इसकी सुंदरता है। आपने देखा अगर इस तिरंगे में 3 रंग हैं तो कितने अच्छे हैं, अगर एक रंग इसमें से हटा दिया जाए तो क्या अच्छा लगे, तो इसीलिए ये देश में जितनी भी जाति और धर्म है अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये देश दिन रात, मतलब दिन कहते हैं चौगनी रात, दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करेगा, ये इसकी खासियत। अब मैं आपको जसपुर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार इस क्षेत्र का सेवक चुनने का मौका दिया मेरे द्वारा जो भी प्रयास है, क्योंकि सड़क में हो या सदन में मैं आपकी बात उठाता रहता हूँ, आप भी जानते हैं कि सरकार अलग है विधायक अलग है, मैं आप मुझसे मांग करते हैं मैं सरकार से मांगता हूँ, मेरी पूरे 5 साल पिछली बार स्टेडियम
रोडवेज, पॉलिटेक्निक, सड़कें और हमारा भोगपुर डैम की जो स्थायी थी वो समस्या, तीर्थ मंदिर उसको लेकर एक हमारा पर्यटक स्थल बनाने की मांग, ये मांग में पूरे 5 साल करता रहा, लेकिन इस सरकार ने एक भी चीज पूरी नहीं की। अब फिर जब हम दूसरी बार विधायक बनकर गए तो हमें एक पत्र आता है मुख्यमंत्री के यहाँ से कि आप 10 मांगे अपने जसपुर की 10 समस्या हमें दें जिनको हम पूरा करें। मैंने सर्वप्रथम उसमें स्टेडियम लिखा कि कांग्रेस टाइम में उसका निर्माण हो चुका था जिसे भाजपा ने निरस्त कर दिया, इसको बनाया जाए। रोडवेज बस स्टैंड जो यहाँ की मूलभूत जरूरत है उसको बनाया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारे बच्चे काशीपुर जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, उसकी स्थापना हो। जो सड़कों की जीर्ण स्थिति है इसका उदाहरण है, डॉक्टर एमपी सिंह के सामने आपने देखा होगा, मात्र 200 मीटर का टुकड़ा है। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उसका 48 लाख का एस्टिमेट बनकर गया था और आज 5 साल बाद इसका दोबारा एस्टिमेट बनकर गया है तो वो 98 लाख का बनकर गया है। मतलब लागत दुगनी हो गई लेकिन सड़क नहीं बनी। आप समझ सकते हैं कि विकास किस तरफ जाता है। अभी डॉक्टर साहब बैठे थे तो कह रहे थे कुछ तो करा दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं लड़ सकता हूँ, मैं सदन में बात रख सकता हूँ, मैं धरना दे सकता हूँ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हूँ, लेकिन करना सरकार ने। अब जैसे अभी बच्चे आए, भाई मुझे एक विधायक निधि मिलती है, वो भी विधायक निधि विधायक के पास नहीं होती, उसमें भी एक वो बंधे हुए हैं। हम डीएम को लेटर लिखते हैं, एक योजना में हम 25 लाख से अधिक रुपया नहीं दे सकते। कोई एक योजना होगी तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए उसमें नहीं दिया जा सकता। दूसरी कंडीशन है कि उसमें नाली पे इतना, खड़ंजे पे इतना, स्वास्थ्य पे इतना, शिक्षा पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने प्राइमरी स्कूलों को फर्नीचर देना शुरू किया, उस पर भी सरकार ने भी दिया, तो मैंने प्राइवेट स्कूलों को भी चाहा जो स्कूलों की स्थिति खराब है, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई कि जो निजी स्कूल हैं उनको आप फर्नीचर नहीं दे सकते। अब लोग कहते हैं साहब आपको विधायक निधि मिली हमें दो, तो कहां से दूं? क्योंकि जब उस पर रोक है कि हम नहीं दे सकते फर्नीचर प्राइवेट स्कूल को तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो पत्र लिख सकते। पिछली योजना में 1 करोड़ कुछ लाख 40 लाख के आसपास स्वास्थ्य विभाग को दिए, अलग अलग योजनाओं, जसपुर के अस्पताल में उसमें करण डिजिटल एक्सरे मशीन जो 1 साल बाद अभी 4 दिन पहले शुरू हुई है, 1 साल लगा उसे शुरू होने में, क्योंकि उनके पास या तो टेक्नीशियन नहीं था या कोई और कारण था। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि जो हमारे लोगों को अगर किसी के फ्रैक्चर या कुछ हो गया और एक्सरे नहीं होगा तो उसे या तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा या काशीपुर जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा हमारे अस्पताल में भी ये सुविधा होनी चाहिए, ये मेरा प्रयास किया, लेकिन उसे शुरू प्रारंभ होने में 1 वर्ष लगा। तो अभी आपने देखा होगा कि जरा सी ठंड पड़ी तो हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती ऐसी भी थी जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि वो 1 घंटा जाएगी या 10 घंटे जाएगी। कहने को हमारा ऊर्जा प्रदेश है, सभी जानते हैं ऊर्जा प्रदेश है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन 7-7 घंटे बिजली गई। उसके लिए आपने अखबार के माध्यम से या मैं फेसबुक के माध्यम से आपने देखा होगा कि मुझे मजबूरन होकर अधिकारियों को धमकाना पड़ा या घेराव करना पड़ा, तब जाकर सुधार हुआ। लेकिन हमारे विधानसभा जो उधम सिंह नगर में 9 विधायक हैं, किसी और विधायक ने उसका विरोध करने का प्रयास नहीं किया। आज जसपुर क्षेत्र में नहीं उत्तराखंड में पूरे में नशे का बोलबाला, आप सबको पता है। क्या प्रशासन चाहे तो क्या नशा बिक सकता है? नहीं बिक सकता। अगर मैं ये कहता हूं कि प्रशासन की इच्छा से या मन से नशा बिक रहा है तो वो कहते हैं साहब हम पर आरोप लगा दो, मुझे मजबूरन विधानसभा में इसको उठाना पड़ा
और मुझे कहना पड़ा कि पैसे के बल पर यह नशा बिक रहा है। तब जाकर हमारे अधिकारी जागे और उसके बाद आज अखबार पढ़ रहे होंगे कि रोज कहीं ना कहीं, चाहे वो किच्छा में हो, चाहे बाजपुर हो, चाहे जसपुर हो, तब वो नशा पकड़ा जा रहा है, जो नशा बेच रहे। नहीं तो हो क्या रहा था कि नशा करने वालों को जेल भेज रहे थे और उनकी जमानत एक या दो दिन में हो जाती वजह, तो डेढ़ ढाई ग्राम से कम अगर हम उस पर बरामद दिखाएंगे तो उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रहा। मैंने कहा कि जब आपको पता है कि खरीद ये व्यक्ति रहा है तो बेचने वाले का पता आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अधिकारी वर्ग केवल एक ही बात चाहता है कि मैं कमरे में बैठा हूं, एसी में रहूं गर्मियों में, और जाड़ों में मेरे पास हीटर लगा रहे और मुझे क्षेत्र में ना जाना है। एक हमारी नहर की समस्या रामकिशन जी, जैसी नहर आती सबसे पहले सोई फोन मारते के साथ मेरी फसल पट हो। मैं बोला रामकिशन जी या तो एक काम कर लो, उस नाली को ट्रैक्टर ने बंद करें या मेरे साथ अधिकारी के चलो वहां धंधा। फिर मैं कुछ करता हूं तो लोग कहते हैं साहब वो विधायक ऐसा बोल रहे, आप में से भी कहने लगेंगे क्यों मुझे फरवरी कहते हैं। पिछली बार शुगर फैक्ट्री में जब बवाल हुआ तो मेरी मजबूरी हुई, सहन नहीं हुई किसानों की समस्या, तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं करते साहब, कुछ ने अच्छा कहा कुछ ने गलत। अब ये तो संभव नहीं है सबके लिए अच्छा हो सकता है। लोग गए साहब हमारे खिलाफ में रिपोर्ट कराओ, यहां से इकट्ठे हुए हमारे सत्ता पार्टी के जो पदाधिकारी लोग और जाकर जीएम से बोले भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक व्यक्ति का फोन आया साहब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज। मैंने कहा भाई मेरा गुनाह यह है कि मैंने गाय क्षेत्र के लोगों की मार उठाई है कि जो पैसा इस फैक्ट्री में लगा है वो भ्रष्टाचार में चला गया, अगर वो नहीं जाता तो हमें दिक्कत नहीं आती, तो क्या मैं गलत हूं। वो जमाना तो वो रहा नहीं कि जब महात्मा गांधी कहते थे साहब कोई गाल में एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल, अगर आपने दूसरा गाल कर दिया तो समझ लो गर्दन साफ ही कर दे। नहीं बनाओ वो जमाना है। अब क्या है समस्या क्या है कि भाई किसी चीज को समझाने का टाइम है, भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से कि भैया जो आपको वेतन मिलता है, आपको सुविधा मिलती है, वो इन गरीब के पैसों से। कोई ये कहे डॉक्टर एमपी सिंह सोचे, अरेश चौहान सोचे, श्री विकास सोचे हमारे टैक्स से मिलती है, गलत। हर व्यक्ति के पैसे से तनख्वाह मिलती है क्योंकि जीएसटी हर व्यक्ति देता है। आप बाजार से जितनी चीज खरीदते ला रहे हो सब पे जीएसटी है, उस पैसे से लोगों को वेतन मिलता है, उससे सुरक्षा मिलती है। पैसा हमारा राज करो तो। अब ये कह देता हूं तो यही गलत। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं जनता की आवाज बनकर तो आप मेरे साथ खड़े जरूर होइए, क्योंकि मैं आगे चल सकता हूं लेकिन पीछे तो आपको चलना पड़ेगा। अगर कहीं डंडे खाने का नंबर आगा तो डंडे मैं खाऊंगा आपको नहीं खाने, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं। मुकदमा दर्ज होगा तो मुझको होगा आप पे नहीं होगा, ये भी विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इन अधिकारियों से इस सरकार से कुछ लेना है तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब को फिर कह रहा हूं फोन कर दे साहब बनवाओ बोला, मैं डॉक्टर साहब को एक दिन दरी तो बिछा लूंगा, हम भी बैठेंगे भाई साहब। देखो मुझे तो वहां से आना पड़ेगा गाँव में, इन्हें तो अपने सामने उठा के दो दरी बिछानी है भाई, उसमें धान हरीश रावत जी आए उनके द्वारा धान लगा दिया तब भी नहीं बनी, नंगे पैर उसमें मैं घूम चल दिया पानी में तब भी नहीं बनी। अब बताइए क्या कर सकते। तो मेरा कहना है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ नेता आते हैं और वो होर्डिंग लगा जाते हैं कि साहब रेलवे स्वीकृत धोने के लिए बधाई और धन्यवाद, और वो रेल हमें तो दिखाई देने की कहां चल रही है, चिड़ियाघर बन जाए भाई, बाई एयर जा रही हो तो बात अलग है। ऐसे ही रोडवेज बस स्टैंड का साहब रोडवेज बस स्टैंड स्वीकृत होने के लिए बधाई धन्यवाद, मैंने वहां स्थाई चलवा रखा था उठाए कमा ले गए, अब वो वहां भी नहीं है। ये मतलब वजह क्या है कि आदमी मीठी मीठी बात चाहता है, वो उससे होती नहीं। ना तो मुझे घोषणा करनी आती, मैं तो कर्म पर विश्वास करता हूं,
सबसे पहले हाथ जोड़ो दो हाथ, ठीक है, फिर दूसरी बार नहीं हो तो धरना दे लो, और उसके बाद नहीं हो तो हाथ को खोल लो, ये तो हमारे हथियार हैं। भले ही महात्मा गांधी ने डंडा नहीं चलाया लेकिन लठ हाथ में तो रखा, तो लटका वह तो था, तो ये तो रखना पड़ेगा। तो आज सबको जागना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि विकास नहीं होगा, लेकिन विकास तभी होगा जब हम जागेंगे। जनता ने तो अच्छों अच्छों को झुका दिया, जनता वो ताकत है जो हिटलर का घमंड तोड़ सकती है, जो अंग्रेजों का घमंड तोड़ सकती है, तो सरकार की तो हिम्मत क्या है जो हमारे वोट पे छीनी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। आदेश चौहान, आदेश चौहान, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। अभी हमने हमारे सुंदरपाल जी है, आपने तो जो टाइम माइक दी थी इनको लगा सम्मानित किया, हमारे जसपुर क्षेत्र के जो हमारी जानकारी में सबसे पहले परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने माता पिता के नेत्र दान किए जसपुर में, इनसे पहले मैं नहीं समझता किसी व्यक्ति ने अंगदान किया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ताली बजे और वो लोग भी आगे आए कि जो अपने अंग समाज को दान देकर जाए, क्योंकि इनके परिवार की चार आंखों से चार परिवार, चार बच्चों ने या चार व्यक्तियों ने इस देश को देखा होगा। तो ऐसे ही, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, लगता है ऐसे ही है लोगों को कि आग निकाल ली कुछ, वो थोड़ा सा निकालते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन देखा रख दी गई है। तो पहले व्यक्ति जसपुर क्षेत्र के जिन्होंने अपनी माता और पिता दोनों की आंखें दान की, अब इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा क्या रहता है, ये जागरूक करना कि जिससे और लोग भी आ गए। एक व्यक्ति को मैं और बुलाना चाहता था, उसके घर पे आज शादी है, लालू, लालू नाम से कहते हैं, नाम क्या है, लट्टू नाम, नाम तो कुछ और, वो 30 से अधिक बार ब्लड डोनेट कर चुका है, और वो खून देने से पहले ये नहीं पूछता किसको देना है, उसका ब्लड ग्रुप किसी को पता चल जाए उसका फोन आ जाए तो वो तुरंत चला जाता है। जसपुर में 30 बार ब्लड दे चुका, 30 से अधिक बार, वो कह रहा जोरदार तालियां। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का मकसद कि जिससे और लोगों में भी ये रहे कि भाई ब्लड देने से कुछ नहीं। तो मैं आपका बहुत कीमती समय लिया, आप सबसे मैं फिर आग्रह करता हूं, आप कहीं पे कोई धरना या प्रदर्शन हो काली ये ना समझे कि हमने विधायक को फोन कर दिया हमारा काम हो। सरकार होती तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि फोन की जरूरत नहीं थी, फिर तो काम होना ही होना। आज सरकार नहीं है तो आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो भी जरूरत है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि स्टेडियम के लिए मैं हर स्कूल में जाकर ये प्रयास करूंगा कि एक दिन सारे स्कूल के बच्चे इस जसपुर क्षेत्र में धरना दें कि स्टेडियम हमें मिलना चाहिए। सरकार अगर विधायक की बात सुने तो इन बच्चों की बात सुनकर झुक जाए और हमें स्टेडियम मिल जाए। तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा करना, मेरा मकसद आपको जागरूक करना है। मैं आपके सेवा के रूप में आपने मुझे दूसरा मौका दिया, मैं आपको फिर बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका जो है बच्चा कह लो, भाई कह लो, बेटा कह लो, मैं आप ही के बीच का हूँ और आप ही के जैसा हूँ। मैं आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और मिठाई आई है सब मिठाई लेकर जाए, और मैं इन दोनों स्कूलों के जो बच्चे आए हैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारी अध्यापिका बहनें आई हैं और जो अध्यापक आए आप सबको भी नमन करता हूँ। और मेरे पास पेन कम है, मुझे टीचर ज़्यादा आ गए, अभी दे दूंगा सबको, जो रह जाएंगे मैं उनके स्कूल में भिजवा दूँ, क्योंकि पेन आपके काम आएंगे। तो मेरा आप सबको सबको प्रणाम, नमस्कार। तो देखिए मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद, जसपुर के पुराना नगर पालिका चौक में जो ऐतिहासिक चौक है उसमें बीच में उठे नहीं आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम को दिखा रहा था, तो यहाँ एक राष्ट्रीय ध्वज, हाँ कोई बच्चा यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वजारोहण की जगह मिठाई पहुँचेगी, साथ साथ कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, करना चाहूंगा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए
सम्मानित किया गया आप सभी लोग और अब कार्यक्रम में ये कार्यक्रम के अंत में स्थान वितरण की तैयारी की गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर कन्याकुमारी से शुरू की थी, आज कश्मीर पहुंच चुके हैं और 3-4 दिन में उसका यात्रा का समापन है। उसी के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ भी आज से हो गया है और जसपुर विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत जल्दी होगा। सिर्फ एक मकसद के लिए कि हम तो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे का हर सम्मान हर तरह से सम्मान करें। ये सुनीता मैडम के साथ ये दोनों जो टीचर हैं ये भी आ जाएं और ओपी सिंह विद्यालय से जो स्टाफ आया है ये भी इधर डाइस पर आ जाए। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो अब कार्यक्रम का समापन हो चुका है। का कब सीमा से पैगाम आ जाए। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे लम्हों को कि मेरी जिंदगी